बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 8 का उर्दू तर्जमा है, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। और पहले उर्दू तर्जमा करना बड़ा जरूरी है। फॉर 22 ईयर चाइना ले फॉर गोटन एंड वाज इवन कंफ्यूज्ड विद ए स्मॉल आइलैंड वन ऑफ इट्स प्रोवेंसेस एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज बाम्बू कंटेन वाज काउंटेड बाई ए वेस्टर्न कंटेन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड। 22 साल तक चीन को नजरअंदाज किया जाता रहा, हत्ता कि उसे एक छोटा जजीरा जो इसके सूबों से एक है समझा जाता रहा, और चीन के लचकदार बांसों वाले पर्दे का सामना मगरब के दकियानूसी और बेमरबत पर्दे से था। डिसरिगार्ड देन सडनली दैट 1/4 ऑफ द मैनकाइंड इनक्लोज्ड इन द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री वाज ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी अटैक विद ए लाउड बैंग। फिर अचानक दुनिया के तीसरे बड़े और एक चौथाई इंसानों के बसने वाले लोग मुल्क को एक जोरदार धमाके के साथ याददाश्त के कमरों से मेमोरी अटैक से बाहर लाया गया, याददाश्त के कमरों से बाहर लाया गया। और द चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्माइल पॉलिसी बट द ऑक्सीडेंटल्स सर्टनली लॉन्च्ड द वार्म हग। और शायद चीन के लोगों ने मुस्कुराहट का तरीका मुतारफ करवाया, मगर मगरबी मालिक ने इसे गले लगा लिया। और अकीदत से डिवोटेड आर डिवोटेड द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स टू पीकिंग परफॉर्मिंग ए डिवोटेड कॉजी पिलग्रिम एज is now more numerous than the battalions of traders who go twice yearly to the traditional Canton Fair. और किले से भरी नीम यात्रा का तसव्वुर दिल में लिए पीकिंग का सरकारी दौरा करने वाले लोगों की भीड़ इन ताजरों और लश्करों से कहीं ज्यादा है जो कैंटन के रवायती मेले में साल में 2 मरतबा आते थे और 2 मरतबा मेले में आते थे। 70 years old चाउन लाई विल एंड एन डिसलोकेटेड द राइट हैंड इफ ही गोज ऑन। और 73 साल चौलाई के दाएं हाथ का जोड़ उतर जाएगा अगर उसने इसी रफ्तार से पब्लिक के साथ सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल फूस से अगर हाथ मिलाना जारी रखा तो उसका हाथ उतर जाएगा। अगर उन्होंने इतनी दुनिया के साथ हाथ मिलाना डिसलोकेटेड हिज राइट हैंड इफ ही गोज ऑन शेकिंग इट एट द प्रेजेंट रेट विद द डेलीगेशंस रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम हिज आईज ब्लाइंडेड बाय द कांस्टेंट फ्लैशिंग ऑफ द ऑफिशियल सोवेनियर फोटोग्राफर्स और सरकारी यादगार की तस्वीरें बनाने वाले कैमरों की मुसलसल रोशनी से उसकी आंखें अंधी हो जाए।
the queue of countries on the waiting list to recognize the People's Republic of China is growing longer with the mounting awareness of the absurdity of past oblivion or a political guilt complex for having kept China out of UN for a long time. इतने तवील अरसे तक चीन को कौम तदा से बाहर रखने के सियासी एहसासे जुर्म और उसके साथ बरतने की हमाकत की आगाही के साथ आवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम करने की फरिश्त में फरिश्त जो है ममालिक की कतार लंबी होती जा रही थी जो चाइना रिपब्लिक को तस्लीम कर रहे थे और ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर लॉन्गर विद द माउंटिंग अवेयरनेस और गिल्ट उन्होंने महसूस किया. China is now the fashion around the world and in no uncertain terms. चीन अब गैर यकीनी तौर पर दुनिया में एक फैशन बन गया है, फैशन या रिवाज बन गया है. हर जगह इंतहाई Everywhere, politicians of the most conservative and bourgeois kind are attempting to rebuild for themselves a compromised career by singing the praises of Mao Zedong. और हर जगह इंतहाई दखिया नूसी और गैर महजब किस्म के सियासतदान मौजूदों की तारीफें करके अपने लिए मफामती रास्ता दोबारा तमीर करना चाह रहे हैं, दोबारा रास्ता तमीर कर रहे हैं. यानी हर सियासी लीडर अब चाइना की बात कर रहा है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए. An exemplary social experiment, एक मसाली माशरती तजर्बा. Exemplary मसाली social समाजी experiment तजर्बा. When confronting the enigma of the Chinese planet, too many Westerners have forgotten the Asiatic background and painful colonial history. जब चीन की जमीन के राज का सामना करते हैं तो बहुत से मगरबी एशियाई पस मंजर तकलीफ दे नौ बादियाती निजाम की तलीक को भूल जाते हैं और ये नौ बाद्याती सिस्टम को भूल जाते हैं. कॉलोनियल हिस्ट्री बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम इन टू पावर इन 1949 द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरीड ऑन एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2000 years. और जब 1949 में कम्युनिस्ट बरसर इक्तदार आए तो मुल्क की ज्यादातर आबादी 2000 साल से दाती दौर की मईशत के शुरू दिनों की तरह रह रही थी और दाती उनकी तरह रह रही थी. इन एन अर्ली आयरन एज इकोनॉमी धाती यानी लोहे के दौर का एंड
Khayyans during our visits in the agriculture. Kevnes, we were proudly told, और कई इलाकों के दौरों के दौरान कई बार हमें बड़े फखर से बताया गया और कई बार जो है लोगों ने फखर से बताया, Here we did not even have the life of the oxen and horses, बैलों और यहाँ हमें बैलों और घोड़ों जैसी जिंदगी भी मयसर ना थी और घोड़ों जैसी जिंदगी मयसर ना थी, हॉर्सेज ऑक्सन एंड हॉर्सेज कंपेयर टू चाइना इन 1949, रशिया इन 1917 डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस ऑफ द सेंचुरी ऑफ ए शैटरिंग मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस और 1947 के चीन का मुआवजा अगर 1917 के रूस से किया जाए तो रूस को सदी की तबाह को नौ आबादियाती निजाम के तजर्बे की विरासत नहीं मिली, उनको इनहेरिटेंस जो है वो नहीं मिली इनहेरिटेंस मल्टी। रशिया नेवर सफर्ड चाइनाज फेट ऑफ सच ए शार्प एंड परवेसिव वेस्टर्न इंपैक्ट दैट इट वाज फोर्स्ड। और रूस को चीन जैसे मकद्दर का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें मौजूद तेज मगरबी गालब असर और साथ ही कई दूसरी एशियाई तहजीबों ने इसे अपनी नफ्सियाती बीमारी लगा दी थी, इसे एक नफ्सियाती टूगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन वेस्टर्न इंपैक्ट दैट इट वॉज फोर्स टूगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन इन टू ए काइंड ऑफ नेशनल स्केजोफ्रेनिया नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सेपरेट इकोनॉमी but above all in terms of split culture and split personality. और कई दूसरी एशियाई तहजीबों ने इसे एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी लगा दी थी जिसमें टूटी हुई मईशत ना थी बल्कि टूटी हुई तहजीब और टूटी हुई शख्सियत भी थी और टूटी हुई सेपरेट पर्सनैलिटी। इन चाइना द इंडिविजुअल हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द आफ्टरमाथ ऑफ अनफॉर्चुनेट हेरिटेज बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप कॉमन पर्पस एंड डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन। नई कायम करदा दोस्ती मिश्र का मकसद अवामी नजम व ज़ब्त की बदौलत अफराद को बदकिस्मत विरासत से बचा लिया गया। इन चाइना द इंडिविजुअल अफराद को फर्द को बचा लिया गया और के गलत असरात से। जिस तरह कंपेनियनशिप Vietnamese have withstood American technology, so the ascetic militant Chinese have gone straight to the roots of the problems. जिस तरह वियतनाम के लोगों अमरीकी टेक्नोलॉजी का सामना किया
इस तरह चीनी जंगजू दरवेशी सीधे इन मसाइल की जड़ तक पहुंचे, जिन्होंने हजारों साल तक एशिया मुबारक को परेशान किए रखा। एशिया कंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स प्लैग्ड एशियन कंट्री। द प्रॉब्लम दैट हैव प्लैग्ड एशियन कंट्री फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स द लैक ऑफ फूड एंड लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन और खुराक की किल्लत, गुजाइयत का अदना मियार, ग्रास इनक्वालिटीज और आमदन और खर्चे में वाजिया फर्क, गैर मसावियत दौलत की तकसीम ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी एंड सेंस ऑफ सोशल यूजलेसनेस और सामाजिक बेकारी का एहसास, एंड दी ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज और शहरों का अंधाधुंध फैलाओ, ये सारे मसाइल थे। अंधाधुंध फैलाओ था शहरों का, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, गैर मरकजी मईशत, द गिगांटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया हाउएवर बट द वेस्ट टू। ताम बड़े चीनी माशरती तजर्बे का तल्लक सिर्फ एशिया ही से नहीं था बल्कि मगरब के साथ भी था। बट द वेस्ट टू विच हैज ऑलवेज क्लेम टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन और जिसने हमेशा इंसान और तहजीब के मसाइल का आखिरी हल ढूंढ लेने का दावा किया है, आखिरी हल ढूंढ लेने का दावा किया है मैन एंड सिविलाइजेशन। फॉर ईयर द चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर एंड पर्सनल फ्रेंड माओ एडगर स्नो। कई साल तक चीन अपने सरकारी तर्जमान माओ के जाती दोस्त एडगर सफर के जरिए दुनिया को ये महसूस करवाने की कोशिश करते रहे कि जिंदगी में GNP खाम कौमी पैदावार में अजाबे के अलावा भी बहुत सी चीजें अहम हैं। Mao Edgar, now that there are other important things in life besides the increase in GNP, GNP के अलावा भी चीजें जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। The Chinese model cannot be analyzed according to its differences from the Western system. चीन के निजाम का तजिया इसके मगरबी निजाम के फर्क से नहीं किया जा सकता। According to its differences from the Western system, it involves an utterly different approach. और ये एक नई दुनिया नए इंसान की तखलीक है। फ्रॉम क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड एंड न्यू मैन और एक नई दुनिया और नए इंसान की ये तखलीक है। द सिटी इज नाउ एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स विच इज नाइदर बैकवर्डनेस Neither backwardness nor delay,
वाटर रिएक्शन टू क्वाड रॉबर सिविलियन गुलियन और रॉबर्ट गुलियन एडवर्टाइजिंग न्यू साइंस एंड द थ्री फीवर्स मनी अल्कोहल एंड सेक्स। शहर गाड़ियों इश्तहारों के चमकते बोर्ड और जिनस के तीन जनून पैसा शराब और जिन्स से आजाद है, जो रॉबर्ट गिलियन के मुताबिक ना गुर्बत की वजह से है। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेस नॉट ओनली स्टॉप द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड बट इवन मैनेजेस पार्टली टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज। ना गुर्बत की वजह से है ना तत्तल और बल्कि इनकार की वजह से है। अवाम पर सियासी कंट्रोल न सिर्फ देहाती इलाकों की आबादी के खराज को रोकता है बल्कि किसी हद तक शहरों की आबादी को भी कम करता है और इसका शहरी आबादी को सही तौर पर उसका इंतजाम करता है। In the year 2000, China will still be powerfully agricultural and peasant country, for its modernization will have occurred without a flight from the fields, which is the price paid by the West. Saal 2000 mein 2000 में भी चीन और मगरब मजबूत ज़राई और किसानों का मुल्क था क्योंकि इसकी तरक्की खेतों से फरार के बगैर हो चुकी होगी, जिसकी मगरब भारी कीमत अदा कर चुका हो। चीन में खेती बाड़ी के अदारों का औसतन हुजम ज़रई इंतजामी इलाकों के निजाम की बदौलत बढ़ रहा है। ऑकर्ड फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव ऑकर्ड विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड व्हिच प्राइस पेड बाय द वेस्ट इन चाइना टू द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न इज शोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस with subdivisions into production brigades and teams, but the greater part of the peasant masses stay and put and carry on their traditional intensive labor. चीन में खेती बाड़ी के इदारों का औसत हुजम ज़रई इंतजामी इलाकों के निज़ाम की बदौलत बढ़ रहा है, जिनकी ज़ैली तकसीम पैदावारी ग्रोहों और टीमों की सूरत में की गई है, मगर किसान लोगों की ज़्यादातर तादाद अपनी जगह पर ही रहते हैं और अपनी रवायात सख्त मेहनत जारी रखते हैं। अपने रवायती जो उनकी सख्त मेहनत करने की आदत है उसको जारी रखते हैं। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड और विद कंसीडरेशन कॉशन सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस और ज़रई मशीनों को काफी एहतियात से मुतारफ कराया जाता है ताकि तवाज़न ना बिगड़े, ताकि उसका तवाज़न खराब ना हो और अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस। बट द एसेंशियल पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट
द एग्रीकल्चर लेबरर दो पॉसिबल डिप्राइव्ड ऑफ फार्मिंग मशीनरी मस्ट नॉट एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड बट इंस्टेड कैप्ट ऑन द स्पॉट एंड इनकॉर्पोरेटेड इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज। और मगर इस मामले का असल नुकता यह है कि ज़रई मजदूर अगरचे मुमकिन तौर पर ज़रई मशीनी से महरूम है, ना तो शहर में रहना चाहता है और ना चाहिए इसको इसकी बजाय मकामी सनतों में शामिल कर दिया जाता है और अपनी जगह पर रखा जाता है और वो शहरों की तरफ नहीं भागता, वो शहरों की तरफ नहीं भागता। ही डज नॉट फील टू द सिटीज बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड पासिस थ्रू ए सनती सड़क तकनीकी तौर पर मुतय्यन ज़रात और सनत में से गुजरती है, ज़रात और सनत में से होकर गुजरती है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन और माशी फैलाओ जो शायद मजदूरों के अजीम सकाफती इनकलाब से चीन की अंदरूनी हिकमत अमली का सबसे अहम कदम है, विच इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन चाइनीज डोमेस्टिक पॉलिसी सिंस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हैज फ्रीड चाइना फ्रॉम ए ट्रेडिशनली कमर्सम ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलप्ड लोकल इंटरप्राइजेज इन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। और अहम कदम है ये, उसने चीन की रवायती बाली अफसरशाही से निजात दिलाई है और अजीम तरीन मुमकिन खुद इख्तियारी के साथ मकामी कारोबार को तरक्की दी है और मकामी कारोबार को वहाँ पर इंडिपेंडेंस। द 26 चाइनीज प्रोवेंसेस और 26 चीनी सूबे विच आर एज मच एज इवन 4,400 किलोमीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 4,400 किलोमीटर दूर है और इस हवाले से जंग की सूरत में अपने वसाइल पर गुजारा कर सकते हैं। कोड फाइल दैट मैटर सबसिस्ट ऑन देयर ओन इन द इवेंट ऑफ वॉर व्हाइल एनीबॉडी इन्वेडिंग द कंट्री वुड बी लिटरली ड्रोन इन ए सी ऑफ पीपल। और हकीकी मानो में खुद को लोगों के समुद्र में गर्क कर लेगा अगर कोई बाहर से चाइना पर हमला करेगा। इतनी बड़ी आबादी है इंसानों की तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो इंसानों के समुद्र में गर्क हो गया है। दिस ब्रिंग अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ द चाइनीज एक्सपेरिमेंट इन क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। It is simply a matter of providing that Thomas Hobbes was wrong when he wrote in his Leviathan.